डॉक्टर नारंग की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर इस कांड के धार्मिक पहलू खोजे जाने लगे। एक वर्ग लगातार इस घटना को सांप्रदायिक चश्मे से देख रहा था और हत्यारों को बांग्लादेशी करार दे रहा था। विकासपुरी की झुग्गी से निकलने वाले लड़के एक निहायत ही मामूली सी बात पर इस कदर उखड़े कि जुनूनी दरिंदगी की देह धरकर डॉक्टर पंकज नारंग के घर में दाखिल हुए और उन्हें पीट पीट कर मार डाला। यह हत्या जितनी सनसनीखेज, जितनी खौफनाक थी, अपने असर में उससे कहीं ज्यादा भयंकर साबित हो जाती, क्योंकि डॉक्टर नारंग की हत्या के बाद सोशल मीडिया अपने हिसाब से खबर की तहकीकात और व्याख्या कर रहा था। डॉक्टर पंकज नारंग की 23 मार्च को जब भारत बांग्लादेश का मैच हारा ने बांग्लादेश को मैच हराया, तब पड़ोस की इंदिरा कैंप झुग्गियों में ठहरे कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम समाज के दर्जन भर लोगों ने डंडों से पीटकर उनकी हत्या कर दी। अब ये क्या है, पर जो लोग सीधे सीधे आपको गलती करते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग सीधे सीधे नफरत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, एरिया की एडिशनल DCP क्लैरिफिकेशन दे रही है कि इसको कम्युनल रंग ना दे, इसको सांप्रदायिकता का रंग ना दे, फिर भी बाज नहीं आ रही और पूरी की पूरी टीम वहां लगा रखी है। डॉक्टर नारंग की हत्या के पीछे की वजह तलाश रही पुलिस, जिस कोण से आगे बढ़ रही थी, सोशल मीडिया पर एक वर्ग उससे बिल्कुल अलग कोण में इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहा था। अफवाहों का बाजार गर्म था, हत्यारों को बांग्लादेशी कहकर हत्या को हिंदू मुस्लिम विवाद बताने की कोशिशें जारी थी। लेकिन शुक्र है कि पुलिस ने समय रहते अटकलों की आवाजों और आहटों को खामोश कर दिया। DCP मोनिका भारद्वाज ने ट्वीट किया, गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से 4 नाबालिग हैं। इसमें कोई धार्मिक कोण नहीं देखा जाना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। हम आपसे शांति की अपील करते हैं। 9 में से 5 आरोपी हिंदू हैं और 4 आरोपी मुसलमान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के नहीं। इलाके के लोगों का भी यही मानना है कि इस घटना के पीछे कोई सांप्रदायिक हाथ नहीं है। अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।